इंदौर जिले के लाड़कोई वन विकास निगम क्षेत्र में वन विभाग ने बड़ी कार्यवाही करते हुए 65 सागौन की सिल्लियां जब्त की। बता दें कि वन परिक्षेत्र लाड़कोई के गश्ती दल को भूराखेड़ा मोगरखेड़ा मार्ग पर अवैध रूप से सागौन की तस्करी की जानकारी मिली। सूचना मिलते ही वन विभाग के गश्ती दल ने लाखों रूपए के बेस कीमती सागौन के धुल्लों से भरे एक आयशर ट्रक को पकड़ा और इस ट्रक से 65 नग सागौन की सिल्ली धुल्ले को जब्त करने की कार्यवाही की। जानकारी के अनुसार जब्त की गई 2 घन मीटर से अधिक सागौन के पेड़ों की कीमत 2 लाख रुपए से भी अधिक बताई जा रही है। मामला यह है कि श्रीमान वनमंडलाधिकारी महोदय के द्वारा हमको सूचना रात के 12 बजे सूचना मिली है और उन्हीं के निर्देश के पालनार्थ में मेरे द्वारा रात्रि में ही टीम गठित की है हम लोगों ने और हम लोगों ने रात्रि में घेराबंदी करी है और करीबन 3 से 4 के मध्य हमको एक वाहन उधर से आता हुआ दिखाई दिया जो मतलब मोगरा सारस और मोगरा खड़ा रोड पे और हमारा बना हुआ देखकर वहाँ पर वो वाहन छोड़ के भाग गए, फरार हो गए।